जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल विजुवागा कॉन्सेप्ट में। आज हम एवरेज का चैप्टर कंटिन्यू रखते हैं। एवरेज टाइप नंबर 7 के बारे में डिस्कशन करते हैं। इस टाइप के अंदर सबसे बड़ी पहचान क्या होगी? टाइप नंबर 7 की बात करें, टाइप नंबर 7 बड़ी आसान है। आपने ना छोटे छोटे सिंपल से दो स्टेप को कंप्लीट करना है, आपका आंसर आपके सामने होगा। देखिए, इस टाइप में क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी पहचान क्या रहेगी। यदि मैं पहचान की बात करूं, मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा कि ये टाइप नंबर 7 है? इसमें ना वो आपको बताएगा गलती हुई है कैलकुलेशन में, भाई एक सही नंबर था उसकी जगह उसने गलत नंबर ले लिया। फिर आपको बताएगा कि सही नंबर ये है, और एवरेज पहले दे रखी होगी, फिर आपसे पूछेगा कि यदि उस गलत नंबर को हटा दे, सही नंबर को वहां रखें, तो उसका एवरेज क्या रहेगा, ये आपने कैलकुलेट करना है। बड़े सिंपल दो छोटे छोटे स्टेप हैं, और प्रश्न नंबर फर्स्ट करेंगे ना तो आपको सब बातें जो मैं अभी बता रहा हूँ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देख, स्टेप देख ले पहले। स्टेप नंबर एक में क्या करोगे, आप जोड़ करोगे किसका, सही नंबर का जोड़ किया मैंने, माइनस किया मैंने, जो गलत नंबर है ना उनको भी आपस में जोड़ने के बाद गलत नंबर को, यानी कि मैं ये कह सकता हूं मोटे तौर पे, गलत नंबर को आपस में जोड़ दे, सही नंबर को आपस में जोड़ दे, फिर सही में से गलत को घटा दे, और बटे में रखोगे कुल संख्या, जितनी संख्या है। पहला प्रश्न लेंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब बात करें स्टेप नंबर दो में क्या करोगे, जो भी यहां पर आंसर आया इसको सोल्व करने के बाद, जो भी आपका आंसर आएगा यहां पर, कुछ भी आंसर आए उसको, या प्लस में आए आंसर या माइनस में आए, उसको आप जोड़ोगे दी हुई एवरेज, जो उसने एवरेज दी हुई है उसमें क्या करोगे, आप प्लस करोगे। ओके, इस तरीके का सवाल नंबर फर्स्ट करते हैं, आपको सारी बातें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। यदि मैं थ्योरेटिकली आपको बोलता रहूंगा तो आपको इतना समझ नहीं आएगा। यदि हम प्रैक्टिकली एक सवाल ले लें, एग्जाम्पल के तौर पे एक सवाल ले लें, तब आपको सारी बातें अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। ये दिल्ली मेट्रो रेलवे में आया हुआ है 2003 में। इसमें क्या बताया गया, एक कक्षा में सर्वाधिक अर्जित अंक, इसने क्या बताया, एक कक्षा में सबसे ज्यादा अंक कितने हैं, 67 है, तथा सबसे कम कितने, 32। औसत की गणना करते समय उनको गलती हुई, मैंने पहले बताया कौन से सवाल गलती वाले, उनसे एवरेज में क्या, सॉरी गलती क्या करी उन्होंने, एवरेज कैलकुलेट करते समय 76 और 23 लिख दिया, यानी कि 67 की जगह 76 लिख दिया और 32 की जगह 23 लिख दिया। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा गया, कक्षा के अंकों का एवरेज बताना है आपने, क्या होगा। देखो, पहले स्टेप नंबर फर्स्ट देखे, जो सही अंक है, सही अंक क्या है यहाँ पर, इसने क्या कहा, 67 की जगह कितना, 76 लिख दिया, यानी कि 67 आपका सही था। ठीक है जी, इसमें प्लस करोगे, क्या करोगे, प्लस 32, क्योंकि ये दोनों ठीक थे, और फिर माइनस करोगे जो गलती की है उसने, सही नंबरों को हमने जोड़ दिया और माइनस करेंगे जो उसने गलती की। गलती क्या की है, हम गलती की बात करें तो गलती क्या है आपके पास, 76 प्लस, यहां पर देखें इनको जोड़ें, 7 और 2 कितना हुआ, 9, और 6 और 3 कितना हुआ, 9। माइनस करूंगा मैं, माइनस ये करोगे आप, करें 6 और 3 9, 7 और 2 9। अब ये देखो, 99 से 99 जाए तो कितना आएगा, 0। नीचे कुछ भी कुल संख्या हो कोई मैटर नहीं है, जिस संख्या के ऊपर 0 आ गया तो वो सारा 0 है। और इसमें बड़े सिंपल तरीके से आप आंसर देख सकते हो, तो आपका एवरेज में कोई चेंज नहीं रहेगा। पहले स्टेप में हमारे ऊपर क्या है, 0 आया, 0 को मैं एवरेज में दोबारा दूसरे स्टेप में जोड़ूंगा तो एवरेज में कोई फर्क नहीं लगेगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखिए कंप्यूटर जी, नेक्स्ट सवाल को बच्चों को दिखाया जाए और 30 सेकंड का टाइमर भी लगाया जाए। बड़ा सिंपल सवाल है ये,
इसमें क्या बताया आपको, 14 छात्रों के प्राप्त अंकों का एवरेज कितना, 71 है, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्त अंक 56 की बजाय 42 लिख दिए और दूसरे के 32 की बजाय क्या लिख दिए, 74 चढ़ा दिए गए थे। तो सही एवरेज बताना है आपने, सही औसत बताना है। यहाँ पर अब आपको अच्छे तरीके से ये सवाल बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। देखिए इस सवाल को, अब इसमें क्या बताया, टोटल छात्र कितने बताए, टोटल संख्या कितनी 14। तो इसने क्या बताया कि प्राप्त अंक का एवरेज कितना है, 71 है, लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्त अंक 56 की बजाय कितने लिख दिए, 42। सही कितने थे, 56, लेकिन लिख दिए कितने गलत, 42, और दूसरे के 32 की बजाय 74 लिख दिए, यानी कि यहाँ पर सही कितना था, 32। ओके, ये दोनों अंक सही थे, ये तो आप स्टेटमेंट पढ़ोगे आपको समझ आ ही जाएगा। अब गलत कौन कौन से अक्षर थे, यहाँ पर माइनस करोगे, गलत क्या है, यहाँ पर 56 की जगह 42, यानी कि 42 गलत था, प्लस करो, देखो गलत गलत को आपस में प्लस करे, जो सही अंक है उनको आपस में प्लस करे, ये सही है ये गलत है। 42 प्लस में मैं क्या करूंगा, 32 की जगह 74 चढ़ा दिए, यानी 74 भी गलत है। बटे में क्या लिखोगे आप, संख्या कितनी संख्या है यहाँ पर, 14 है। अब आप ये देखिए यहाँ पर इन दोनों को जोड़ दे, 56 प्लस 32, 56 प्लस मैं 32 को जोड़ू तो क्या आएगा मेरे पास, देखिए 6 और 2 कितना हुआ, 8, 5 और 3 कितना हुआ, 8, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया, 88 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ू तो कितना आ गया, 6 2 और 4 6 7 और 4 11। अब आप यहाँ पर माइनस का निशान है, यहाँ पर आप देख सकते हो माइनस का ज़्यादा और प्लस का कम है, तो आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस का ज़्यादा है। यदि मैं बात करूँ अब 116 में से 188 माइनस करें, देखिए कितना आएगा, सिंपली आप कर सकते हो, बड़े में से छोटा करोगे तो बहुत आसानी से कर सकते हो, आपकी च्वाइस है कि आप माइनस कैसे करना चाहोगे। सिंपल बात है, आप हमेशा ना बड़े में से छोटा माइनस करना, और ये याद रखना जब बड़ा माइनस का है तो माइनस ही आपका आंसर आएगा, यदि बड़ा प्लस का है तो प्लस ही आंसर आएगा। अब देखिए आप यहाँ पर मैं 16 में से 8 गए 8 और 1 2 2, यानी 28 आया आपका, और बटे में क्या है, 14 14 दुनी 28, यानी माइनस का 2 आ चुका है। यहाँ पर पहले स्टेप में आपका आंसर क्या है, माइनस का 2। अब सेकंड स्टेप क्या कहता है, एवरेज में आप प्लस कर दो इसको, यहाँ पर एवरेज कितना है आपके पास, 71। अब आपने क्या करना, प्लस प्लस, तो देखो ये माइनस का है तो माइनस ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो क्या, माइनस ही आएगा। 71 में 2 माइनस कर दूं तो क्या आएगा, 69, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। ये एसएससी के एग्जाम 2000 में आया हुआ था। देखो कितना बड़ा सिंपल सवाल है, आपने क्या करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आई रिपीट अगेन, इसमें क्या बताया कि सही को आपस में जोड़ दे, मैंने दोनों सही अंकों को जोड़ दिया जिसका 88 आया, फिर आप क्या करो गलत अंकों को आपस में जोड़ दो, जोड़ दिया जी, फिर उनमें माइनस कर दो, और बटे में क्या रखो कुल संख्या कितनी बता रखी है वहां पर उसने, 14। अब आपका यहाँ पर माइनस का, इन दोनों को सोल्ड करने के बाद आपके पास माइनस का 28 आया था, मैं 14 से भाग करूँ तो माइनस का 2 आएगा। अब अगला स्टेप क्या था, एवरेज में जोड़ दो, मैं 71 में माइनस 2 जोड़ू तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, 69, जो आपको ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। आई होप आपको अब तो अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा, फिर भी समझ नहीं आया तो रुको, अभी बहुत सवाल है, हाई लेवल तक सवाल है, अभी आप कंप्लीट वीडियो देखे और इस तरीके की टाइप जहां पर आपको ये बता दे बस, यहां तो देखो इसकी पहचान करना कितना आसान है, वहां पर क्या लिखेगा, वो गलती हुई है उसको, कि 1 नंबर में 2 नंबर में या 3 नंबर में कोई फर्क नहीं है, फिर आपसे सही एवरेज पूछा जाए। कंप्यूटर जी नेक्स्ट प्रश्न बच्चों को दिखाया जाए, जल्दी से इसका आंसर आना चाहिए 3 सेकंड के अंदर अंदर, टाइमर लग चुका है। देखिए इस सवाल में क्या बताया गया, 10 संख्या का एवरेज कितना प्रकलित किया गया, 15। बाद में पता चला कि जो औसत प्रकलित करते समय एक संख्या थी जो 36 को गलती से 26 पढ़ लिया गया, सही एवरेज बताएं, सही एवरेज आपने बताना, जल्दी से करें, 30 सेकंड है आपके पास। बड़ा सिंपल सवाल है ये, सवाल तो आपको समझ आ चुका होगा, आपकी स्क्रीन पे ही दिखाई दे रहा है आपको, फटाफट करें, कुछ भी नहीं है इस सवाल के अंदर, थोड़ा सा बस आपने माइंड को अपने सेट करना है और अपने आप को कंसंट्रेट करना है एक जगह,
और इसके नोट्स जरूर बनाते रहे। आपको पीडीएफ फाइल इन प्रश्नों की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व करोगे आप। 10 संख्या का एवरेज कितना? 15 है। बाद में पता चला कि एवरेज जब आप गिन रहे थे 36 को, गलती से क्या लिख दिया, 36 को गलती से क्या पढ़ दिया उसने, 26। यानी कि सही क्या था 36 और गलत क्या था 26। बटे में क्या करोगे आप, बटे में कुल संख्या, कुल संख्या कितनी है जी 10। अब 36 में से 26 माइनस हो तो कितना आएगा 10, प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का यहां बड़ा है, बटे में 10, 10 से 10 कैंसिल आउट तो क्या आया 1। अब 1 को क्या करोगे आप, एवरेज में जोड़ दोगे। तो यहां पर एवरेज कितना बताया हुआ है आपका 15, और 1 को जोड़ो तो कितना आया आपका 16, जो आपका आंसर नंबर सी ठीक रहेगा। और एग्जाम देखिए कौन से एग्जाम में, एसएससी के डाटा एंट्री ऑपरेटर में आया हुआ है 2010 में। बड़े सिंपल सिंपल सवाल है। अब तो मेरे हिसाब में आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इससे थोड़ा हाई लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जो हरियाणा के एग्जाम जेई सिविल में आया हुआ था, इस प्रश्न को देखिए और फटाफट करें, टाइमर लग चुका है और आपके पास 30 ही सेकंड है, फटाफट जल्दी जल्दी कोशिश करें इस प्रश्न को करने की। बड़े सिंपल सवाल है, जो आपके प्यारे चैनल विकीवा का कॉन्सेप्ट ने जो अप्रोच कराई है ना, उस अप्रोच पे ध्यान रखिए बस, उसके बाद तो आपके आंसर फटाफट निकलते चले जाएंगे। जल्दी करें, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, टाइमर टिक टिक करता हुआ भागता जा रहा है, जल्दी करें। इस सवाल को पढ़ देता हूँ, आप अपना काम करें, जल्दी जल्दी से इस प्रश्न को सोल्व करें। इसने 20 लड़कों का एवरेज दिया हुआ है, बाद में फिर बताया कि लड़के का वजन गलती से 87 की जगह कितना कर दिया, 78 कर दिया। तो सही एवरेज बताना है क्या होगा, कितने लड़के हैं टोटल 20। जल्दी करें फटाफट, बहुत सिंपल आसान सवाल है। अब यहाँ पर देखिए इस सवाल में क्या बताया गया आपको, यहाँ पर क्या था, ठीक क्या है यहाँ पर 87 और गलती से क्या कर दिया 78। और यदि मैं 87 में से 78 माइनस करूँ तो कितना आएगा, फटाफट माइनस करें 9 आएगा। बटे में कुल संख्या कितनी थी 20, कितने लोग थे टोटल 20। अब आप भाग कर दें नॉर्मली, जैसे मर्जी काट ले, जैसा आपको इजी रहे, इस तरीके से आपको अच्छी तरीके क्लियर हो जाएगा। 20 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, ना जाने की 0 पॉइंट लगाया, एक 0 यहाँ पर। अब बात करें 20 का पाड़ा आपने 90 तक पढ़ना है तो कितने पे गया, चौके पे, 20 चौके 80, कितना आया 10, एक 0 मैंने एक और उतारी, कितना हो गया 100। अब 20 पंजे 100, तो यानी कि इनको काटने के बाद आपका आंसर क्या रहेगा 0.45। बड़ा सिंपल है। अब आपने क्या करना, देखो प्लस का आया, अब आपके पास एवरेज में जोड़ोगे, एवरेज आपके पास कितनी दी हुई है इसने 89.4, और मैंने जोड़ना क्या है इसमें गलती ना करें, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे 4 और 5, जोड़े 5, 4 और 4, 8, 9 और 8, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ये हरियाणा के एग्जाम जेई सिविल में पूछा गया था। कितने सिंपल पर्सन है, देखो आपने क्या किया, कुछ भी नहीं किया था, पहले आपने सही में से गलत माइनस किया, फिर उसको जो कुल संख्या उससे भाग कर दिया जो 0.45 आया, फिर जो एवरेज दिया गया उसमें से आपने प्लस कर दिया। मैंने हमेशा बताया प्लस आया, यदि यहाँ पर माइनस आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस आया तो प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस का आया तो आपने प्लस कर दिया, जो आपका आंसर आया 89.85 आया। बड़ा सिंपल है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी ठीक रहेगा। नेक्स्ट सवाल, कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाया जाए, गदर कर दिया बच्चों ने, आंसर मुझसे पहले भी दे रहे हैं, वेरी गुड। अब मैंने पिछली वीडियो में देखा था, मुझसे पहले बच्चे कोशिश कर रहे थे आंसर देने की, मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो में भी आप आंसर दोगे मुझसे पहले। ये एमटीएस के एग्जाम में आया हुआ है 2013 में, एसएससी के एग्जाम में। कंप्यूटर जी प्रश्न तो आपने लगा दिया होगा, टाइमर भी लगा दें, 30 सेकेंड है आपके पास। मैं एक बार सवाल को पढ़ देता हूँ, इस सवाल में क्या बताया गया कि 10 मदों का एवरेज कितना है 80, और जब एक मद को 50 की जगह 60 गिन लिया गया। अब देखो गलती क्या की गई इसमें, 50 था लेकिन 60 गिन लिया, तो सही एवरेज आपने बताना है। जल्दी करें, 30 सेकंड तो इस प्रश्न के लिए बहुत ज़्यादा है, फटाफट करें, करने की कोशिश करें इसको, 10-10 सेकंड के अंदर प्रश्न को लगाएं, तभी ही आपका नंबर पड़ेगा। देखिए आप स्क्रीन पर देखें, इसमें क्या बताया आपको,
सही क्या था जब एक मद को 50 की जगह, अब सीधी बात है 50 ठीक था लेकिन गिन लिया कितना 60, माइनस करोगे 60 बटे में रखोगे उसकी संख्या, संख्या कितनी है 10 है ना, तो 10 नीचे रखोगे, अब 60 में से 50 जाए, माइनस का 10 आया और बटे में 10, मैं का 2 तो 10 एकम 10 तो माइनस का 1 आया आपका आंसर। तो आंसर को क्या करोगे आप, एवरेज में जोड़ दोगे, एवरेज यहां पर कितना आपका 80 है, एवरेज कितना आपका 80। अब देखो 80 में आप जोड़ोगे किसको, एक को, लेकिन वो तो माइनस का है तो माइनस होगा, तो आपका आंसर क्या रहेगा 79, जो आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक रहेगा। ये एमटीएस के एग्जाम 2013 में पूछा गया था। देखो दोस्तों बच्चों कितना सिंपल सवाल आ रहा है, और आपको पता है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करना बहुत मुश्किल काम है आज के टाइम में, और ये मैं तो ये कहता हूं कि ये आपकी सोच होगी मुश्किल है, लेकिन मेरे अनुसार सरकारी नौकरी प्राप्त करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सही रास्ता सही गाइडेंस मिलनी चाहिए। सरकारी नौकरी आप 5-6-7 महीने की तैयारी में आराम से प्राप्त कर सकते हो, बस आपने कंटिन्यू तैयारी करनी है, बस ऐसा नहीं है कि आपने 3-4 दिन पढ़ाई किया फिर 10-15 दिन गैप दे दिया, फिर आप मंड गए 24-24 घंटे पढ़ाई की, फिर एक हफ्ते तक आपने बुक नहीं उठाई, इससे सक्सेस नहीं मिलेगी। आपको सक्सेस प्राप्त करनी है, सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी, स्टडी लगातार करनी ही पड़ेगी, तभी बात बनेगी। नेक्स्ट प्रश्न कंप्यूटर जी बच्चों को दिखाया जाए, ये SSC के एग्जाम 2011 में पूछा गया था, मैं इसको इतने में इरेज कर देता हूँ बोर्ड को, जल्दी से करें। इस प्रश्न में क्या बताया गया, अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्र, टोटल कितने व्यक्ति बताए 40, का एवरेज कितना बताया 72, बाद में पता चला कि तीन अंकों की गड़बड़ है, 64, 62, 84, गलती से 68, 65, 73 लिख दिए गए थे, गलती सुधारने के बाद एवरेज क्या होगा ये आपने बताना है। देखो मैंने पहले बताया, एक संख्या हो, दो संख्या हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, कोई मैटर नहीं है, सही को आपस में जोड़े, गलत को आपस में जोड़े, और उनको माइनस करने के बाद कुल संख्या, कुल नंबर नीचे लिखे, और काटने के बाद जो भी संख्या आएगी एवरेज में जोड़ दो। देखिए यहां पर आप, इसने क्या बताया, बाद में पता चला कि 3 अंक 64 मैं प्लस कर रहा हूं सही वाले को, 62 प्लस 84 गलती से इनको क्या लिख दिया गया, माइनस करें, मैं अलग अलग कलर यूज कर देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए, माइनस गलती से क्या लिख दिया इनको, 68 प्लस 65, क्योंकि देखो जो गलत है उनको आपस में जोड़ना है आपने, 73 बटे में क्या लिखोगे आप, बटे में क्या लिखोगे जल्दी बताएं, इनकी संख्या कितनी है, संख्या 40, अब इनको आपस में जोड़े फटाफट, 4, देखो जैसे आपका दिल करे वैसा जोड़ दे जो आपको आसान तरीका लगे, 4 और 2 6 6 और 4 10 0 1 हासिल, अब आप जोड़े 6 12 12 और 8 कितने हुए 20 20 और 1 21, यानी कि यहाँ पर इन दोनों का जोड़ क्या आ चुका है 210, अब इनको जोड़े आप, 8 और 5 13 13 और 3 कितना हुआ है 16 1 हासिल, 6 6 12 12 और 7 कितना हुआ आपका 19 19 और 1 20, अब इनकी माइनस कर रहे हो आप, 210 में से 206 चले जाए, 210 में 206 चले जाए तो कितना आएगा 4, और भाग किससे दे रहे हो आप 40 से, काटे 4 एकम 4 कितना आया 10। अब आगे सोल्व करना चाहो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, एक यहां पर है 10 यहां पर, ना जाने की 0.0 लगाई यहां पर, और 0 पॉइंट लगने के बाद अब देखिए 10 एकम 10 तो कितना हुआ 0.1 आया यहां से आंसर यहां से क्या आया 0.1। अब इसको क्या करोगे आप, एवरेज में जोड़ोगे, प्लस का आया ना यहां पर तो यानी कि डायरेक्ट जुड़ेगा, और आपका एवरेज कितना था 72 था, मैं प्लस कर दूं याद रखे पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, यहां पर पॉइंट नहीं है तो यहां पर आप सपोज कर सकते हो, यहां पर फिर 0 मानी जाती है, तो 0 में 1 जोड़ दो तो 1 2 और 7, तो आपका आंसर क्या रहेगा 72.1, जो आपका ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। ये 2011 में पूछा गया था SSC के एग्जाम में, बड़ा सिंपल सवाल है, आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। तीनों सही संख्याओं को आपस में जोड़े, तीनों गलत संख्याओं को आपस में जोड़े, जो उनका जोड़ आया उसमें माइनस कर दे उनका गलत का जोड़, फिर जो भी आया उसको काटने के बाद आप एवरेज में उसको ऐड कर दे, एवरेज ये था आपका और यहाँ पर ये आंसर आया था और मैंने इसको सिंपल ऐड कर दिया। बड़े सिंपल सवाल है और एग्जाम
देखिए आप, मैं आपके लिए हर तरीके के एग्जाम के प्रश्न लेके आता हूँ, वो रेलवे के, एसएससी के हो, हरियाणा के हो या किसी और स्टेट के एग्जाम के हो। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इनसे बाहर कुछ नहीं आता, यकीन मानिए, मेरे पे बिलीव करें। मैंने भी सिर्फ इन्हीं चीज़ों की तैयारी की थी और आराम से सरकारी नौकरी लेके बैठा हूँ, आप भी कर सकते हो। और मेरे नोन में कई मेरे फ्रेंड ऐसे हैं जो सिर्फ उन्होंने जिस इन्हीं चीज़ों की तैयारी की, मेरे जो स्टूडेंट थे, और वो आज सक्सेस है, वो आज सफल है, आप भी सफल हो सकते हो। सिर्फ आपने क्या करना है, सिर्फ इसी चैनल को ही ओबे करना है। बार बार देखो, अलग अलग चैनल के पीछे ना भागे, जिसका भी समझ आ रहा है, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ आप हमारा ही चैनल देखें, किसी का भी चैनल जहां पर आपको समझ आ रहा है, ये आपके डिसीजन। देखो आप अब तो 18 से प्लस हो चुके हो, 17 से प्लस हो चुके हो, 16 कम से कम सरकारी नौकरी 16.5 के बाद स्टार्ट हो जाती है, 16 साल के बाद भी वैसे भी आप मैच्योर हो चुके हो। आपको इतना तो डिसीजन लेना आता ही होगा कि कौन सा चैनल ठीक है, कौन सा गलत है, मुझे किसका अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। जिसका भी अच्छे तरीके से समझ आ रहा है उसको पकड़ लो, उसका पीछा ना छोड़ो और लगातार उनकी वीडियो देखो। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तभी आप कामयाब हो पाओगे। ऐसा नहीं कि आज इसकी वीडियो देख ली, कल किसी और की देखते रहोगे, ऐसे सक्सेस नहीं होगा। और हमारे चैनल पे टोटली पूरा चैप्टर करवाया जाएगा, ऐसा नहीं कि आपको कुछ वीडियो दे दी, कुछ वीडियो ना प्रोवाइड कराई जाए, टोटली वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी विद PDF फाइल। नेक्स्ट पर्सन कंप्यूटर जी स्क्रीन पर लगाया जाए, ये SSC के डाटा एंट्री ऑपरेटर 2010 में आया था। इस प्रश्न में क्या बताया गया, 10 दी हुई संख्या का एवरेज ज्ञात करते समय विद्यार्थी ने गलती कर दी। गलती क्या करी, 146 के स्थान पर 64 लिख दिया गया और सही औसत कितना निकाल दिया उसने, 50 निकाल दिया। दी हुई संख्या का सही एवरेज बताना है, क्योंकि उसने गलती करी, 46 के स्थान 64 लिखा और एवरेज उसका कितना आया फिर 50। और आपसे पूछा गया उस गलती को ठीक करो आप और सही एक्चुअली एवरेज बताओ कितना है। आपको बताइए मैंने आपको क्या सिखाया है, आपने क्या करना है, सही में से गलत माइनस करो, जो आपका आंसर आएगा उसके बटे में एक कुल संख्या लिखो, फिर एवरेज में जोड़ दो। एवरेज यहाँ पर 50 है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया, आपने कर ही दिया होगा अब तक तो ये सवाल, नहीं किया तो फटाफट करें, एक दो सेकंड और दिए जाते हैं आपको, फटाफट करें। और बड़े सिंपल सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है इन सवालों को करना। देखिए इसमें क्या बताया गया, एक विद्यार्थी ने गलती से 46 के स्थान पर, सही क्या था यहाँ पर 46, लेकिन उसके स्थान पर क्या कर दिया 64। देखिए आप 64 में 46 माइनस कर दिया अपनी सुविधा के लिए, 14 से 6 गया 8, 5 और 1 18 आया माइनस का, और बटे में क्या लिखोगे आप इसके 10। अब आसानी से आप पॉइंट लगा सकते हो, यहाँ पर आपको ये काटना तो आता ही होगा, जब भी जीरो हो आपके पास, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10000 हो, तो आप सीधा डायरेक्ट भी बिना काटे भी यहाँ पर जीरो लगा सकते हो। जीरो के नाम का एक अक्षर छोड़ दे और एक के नाम का पॉइंट लगा दे, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या रहा, -1.8। और सही आंसर क्या था, 50। और इसमें प्लस कर रहे हो आप, किसको प्लस कर रहे हो, ये जरूर ध्यान रखें पॉइंट का। तो यहाँ पर भी मैंने पॉइंट सपोज कर लिया, यहाँ पर जीरो है, एक हासिल यहाँ पर लिया, इसके पास भी बेचारे के पास कुछ नहीं है, तो आगे गया ये, इसने 5 से हासिल लिया तो यहाँ पर कितना 10 हो गया, फिर इसने आगे एक हासिल दे दिया तो यहाँ पर 9 रह गया, 10 में से 8 गए कितने बचे 2, 9 में से गया कितना बचा 8, यहाँ पर कितना बच चुका है 4, तो 48.2 जो आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। तो आप देख सकते हो SSC के एग्जाम डाटा एंट्री ऑपरेटर में इतना सिंपल सवाल पूछा गया था 2010 में। नेक्स्ट सवाल देखिए कंप्यूटर जी, नेक्स्ट सवाल बच्चों को दिखाया जाए, यह सवाल SSC के कॉन्स्टेबल GD में आया 2013 में। सोल्ड करें इसको जल्दी से, फटाफट सोल्ड करने की कोशिश करें, बड़ा सिंपल सवाल है, उसी पैटर्न पर करना है आपने, जिस पैटर्न पर मैंने आपको बताया है, इससे लीक से तो आपने हटना ही नहीं है। मैथ के सवाल में जो रूल है उसी रूल के अनुसार ही चलना पड़ेगा। अभी तक तो आपका 8-10 सेकंड में आंसर आ जाना चाहिए, कुछ भी सवाल में नहीं है। देखें मैं एक बार स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, इसमें क्या बताया, 9 पूर्णांकों का एवरेज 11 है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया भूलवंश गणना करते समय बुलांक 23 को कितना 32 लिखा गया, यानी गलती क्या हुई, 23 की जगह क्या लिख दिया 32 लिख दिया, उचित संशोधन करने के बाद नया एवरेज आपने बताना है। तो यहाँ पर देखिए अब इसने क्या बताया, 23 ठीक था लेकिन लिख दिया 32। सबसे पहले आप क्या करोगे, 32 में से 23 माइनस करें तो आपका कितना आया 9, बटे में क्या लिखोगे, कितने अक्षर है,
संख्या कितनी? नौ। तो नौ देखो माइनस का आएगा, ये जरूर ध्यान रखना, प्लस और माइनस, नहीं सारी गेम गड़बड़ कर देगा ये। नौ एकम नौ, नौ एकम नौ, तो आपका आंसर क्या रहा? माइनस का वन। और जोड़ोगे कितने में, किस में जोड़ोगे? एवरेज में। एवरेज कितना आपका? ग्यारह। और माइनस वन जोड़ दूँ तो क्या आएगा आपके पास? दस, क्योंकि माइनस का है। तो आपका आंसर सही क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ये एसएससी के जीडी एग्जाम 2013 में पूछा गया था, बड़े सिंपल प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, जो एसएससी के एग्जाम प्लस टू लेवल पे आया हुआ है 2014 में, इसमें क्या बताया? 36 विद्यार्थियों की एवरेज कितनी है? 52 अंक प्राप्त हुए, किंतु बाद में पता चला कि 64 को गलती से क्या पढ़ दिया गया? 46। 64 को गलती से क्या पढ़ दिया? 46। मेरे ख्याल से टाइमर की भी जरूरत नहीं है, आपने आंसर निकाल दिया होगा, जल्दी करें, आंसर आ चुका होगा। तो देखें अब यहाँ पर आ जाएं, इसमें क्या बताया? 64 को गलती से 46 कर दिया, माइनस कर दे भाई, 64 में से 46 माइनस करें, तो 64 में 46 माइनस करें कितना आया? 8 और 1 18, बटे में कितना लिखना है आपने? 36। टोटल स्टूडेंट कितने? 36, तो 18 के में 18, 18 दुनी 36, यानी कि मैं कह सकता हूँ आधा आ चुका है यहाँ पर, 0.5। अब इसने क्या बताया? सही एवरेज कितना था? 52। 52 में मैं आधा प्लस कर दूं, 0.5 प्लस कर दूं तो कितना आएगा? 52.5। ये आपका आंसर रहेगा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। ये 2014 के एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, बड़ा सिंपल प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, इसका आंसर आपने कमेंट में देना है। 2011 में आया था ये प्रश्न एसएससी के एग्जाम प्लस टू लेवल पे, डाटा एंट्री ऑपरेटर में, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या बताया गया? 20 मतों का एवरेज कितना? 47 है, बाद में पता चला एक मत को 62 के स्थान पर कितना? 26 लिख दिया गया। तदनुसार आपने क्या बताना? सही वाला बताना है, सही आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी करें इसको, बड़ा सिंपल सवाल है। गुरु दक्षिणा के तौर पे आपने कमेंट में इसका सही आंसर बताना है, बड़ा सिंपल सवाल है, कुछ भी सवाल के अंदर नहीं है, जल्दी करें फटाफट, सिंपल सवाल है, जल्दी करें, कोशिश करें इसको करने की, आसान सवाल है। इसने क्या बताया आपको? 62 के स्थान पर गलती से क्या लिख दिया? 26। जल्दी करें, जल्दी, कुछ भी सवाल के अंदर नहीं है। चलो ऐसी बात है तो चलो मैं करवा भी देता हूँ लास्ट सवाल। 62 माइनस 26, 62 में 26 माइनस करोगे कितना आया? 6, 5 और 2 3 36, बटे में कितना आएगा? 20। काटे इसको सिंपली, यदि मैं काटू 20 से इसको तो आपका आंसर क्या रहेगा? 1.8 आएगा। फिर मैंने बताया जो आंसर आएगा उसको एवरेज में जोड़ दे, एवरेज कितना आपका? 47। इसमें मैं जोड़ दूँ 1.8 तो क्या आएगा? 8.84, 48.8। 48.8 आपका सही आंसर रहेगा, जो ऑप्शन नंबर ए ठीक रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आई होगी। यदि आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं वो आपको समय पर प्रोवाइड कराते हैं। वो या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड हो, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम के एडमिट कार्ड की हो, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कराने की हो, हम ए टू जेड आपकी तैयारी करवाएंगे, ताकि आप अपना जो आपका नौकरी प्राप्त करने का सपना है उसको सच कर पाओ। थैंक यू वेरी मच, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।